महात्मा गांधी शायद देश की इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जो आजादी के बाद भी उतने ही चर्चित रहे जितने चर्चित अंग्रेजी हुकूमत के दौरान थे। आज तक उनके जीवन के अलग अलग आयामों को समझते हुए किताबें लिखी जा रही हैं। महात्मा गांधी पर ऐसी ही एक किताब को पत्रकार और लेखक एमजे अकबर ने शक्ल दी है, जिसे आज लॉन्च किया गया है। आधुनिक इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों के लिए महात्मा गांधी खुद एक शोध का विषय बनकर उभरते हैं। बीजेपी नेता एमजे अकबर की नई किताब गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपेन्स में भी जन नेता महात्मा गांधी के जीवन का ऐसा ही शोध है, जिसे आज लॉन्च किया गया। इस दौरान वहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी मौजूद रहे। एमजे अकबर ने अपनी किताब गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपेन्स में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम को तीन आंदोलनों में बांटा है। उनका न्यू जो था, जो फाउंडेशनल बिलीफ था, वो ये था कि अंग्रेज हमारे ऊपर हमला करके कैसे जीता। इसलिए नहीं कि अंग्रेज मजबूत था, इसलिए कि हम कमजोर थे। तो उनकी जो पूरी जो एक कैंपेन, तीनों कैंपेन की जो इच्छा थी, जो ऑब्जेक्टिव था, वो ये था पहले देश को और देशवासी को मजबूत करो, और मजबूत अपने आत्मनिर्भरता से होगा, किसी और के कहने से नहीं होगा। महात्मा गांधी भारत के बंटवारे के मुखर विरोधी थे। इस किताब में महात्मा गांधी के उस व्यक्तित्व को जगह दी गई है जिसमें वो एक तरफ खुद के हिंदू होने पर गर्व करते हैं, तो वहीं मुसलमानों की अलग राष्ट्र की मांग पर उन्हें आईना भी दिखाते हैं। किताब के लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुँचे, जिन्होंने गांधी के हिंदुवाद का जिक्र किया। गांधी जी कमिटमेंट टू हिंदू आइडियल्स शेप्ड हिज फिलोसफी एंड अप्रोच। As early as 1921, writing in Young India, Gandhi said, "I call myself a Sanatani Hindu," which refers to an unbroken and timeless Indian tradition. हालांकि 1947 के बंटवारे को लेकर भी महात्मा गांधी की भूमिका पर अब तक सवाल उठते रहे हैं। गांधी जी को कहना या गांधी को कहना कि पार्टीशन के लिए जिम्मेदार थे, ये सिर्फ अन्याय नहीं है, बहुत बड़ा पाप है, ऐतिहासिक पाप है। उन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी, एकता के लिए अपने सब कुछ दे दिया। तो ऐसे व्यक्ति को ये कहना जो कहते हैं वो सिर्फ गलत ही नहीं है, वो षड्यंत्र करते हैं। मतभेदों के बीच मनभेद से बचकर महात्मा गांधी किस तरह आजादी के संग्राम को अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों तक ले गए, ये एमजे अकबर ने अपनी किताब गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपेन्स में साफ गोई से लिखा है। पूर्व पत्रकार एमजे अकबर पहले भी आजादी के बाद के बदलते भारत से लेकर पराधीन भारत के समय के संवेदनशील मुद्दों पर कई किताबें लिख चुके हैं, जिनमें किताब गांधी हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम भी एक है।